31st क्वेश्चन है assertion after white washing the walls a shiny white color on walls is obtained. सर इसका ए था ए था. अगर मान लो white washing किससे किया आपने? क्या CaOH whole twice? चूने के पानी से alkaline water से. और जब थोड़े दिन दो तीन दिन बाद CO2 से react कर जाएगा. Atmosphere में CO2 तो है ही तो क्या बना देगा? CaCO3+H2O. तो यही तो white है. ये marble shine type करता है white. कैल्शियम कार्बोनेट तो रीजन दे रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच गिव्स शाइनी कलर क्योंकि व्हाइट मार्बल तो शाइनी होता ही है तो ये चीज आ जाएगी. यस ओके तो रीजन है और ये दोनों ही चीजें सही है तो इसका आंसर क्या करेक्ट ए हो जाएगी. सर इसमें तो सर डेज दे रखे हैं सर इसमें. हां तो दो तीन दिन लग जाएंगे ना. दो तीन रहेंगे डेज भाई. सर डेज थोड़ी लगता है तो डेज का हमें रीजन थोड़ी तुरंत थोड़ी सी CO2 इतनी भरी हुई है धीरे धीरे चमक आती है चूने में. सही है ये किसका सर आगे होती है ना बोलो सर. सर अगर उसी रूम में 100-200 लोगों को रखेंगे फिर तो जल्दी हो जाएगा. इग्नोर है कौन कौन से सर 32 सर आपने कहा दो तीन दिन में वो धीरे हो जाए तो उसी रूम में 100-200 लोगों का रखेंगे जल्दी हो जाना चाहिए. जल्दी हो जाएगा वो तो है ही है. CO2 जितनी दोगे उतना उसमें मार्बल का शाइन आ जाएगा. 30 सेकंड देखो 30 सेकंड क्या है कि देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन हार्ट. तो ऐसा क्यों है वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट दैट अराउंड ये गलत है. ठीक है फोर चैम्बर से इसलिए है ना. तो वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट व्हिच अलाउज मूवमेंट ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली. तो इसका कहीं आंसर है इसका तो आंसर था क्या आंसर था बी होगा. क्या क्वेश्चन था कि इंटरमिक्सिंग नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर दीज आर इंटरमिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजनेटेड क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेप्टम से सेपरेटेड होता है. मैंने डी किया था. डी अब इसका आंसर क्या है डी. डी में है कि डी क्या होता है बताओ. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. आर A is false. सर उसमें लिखा हो क्वेश्चन पेपर में लिखा नहीं वो तो सही बात है लेकिन इसका सर ये फॉल्स फाइनल आंसर क्या है ये चेक करना है. ह्यूमन बी होगा सर. रीजन करेक्ट नहीं ना. बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट यही है ना. चेक कर लें रीजन सही है ना. स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट रीजन तो सही है बस एक्सप्लेनेशन करता हूं. हां ऐसा होना चाहिए भी मैं देख लेता हूँ. हाँ बोलिए. सर अश्वेत देखो बदला निकाल रहा है सर. एक मिनट देखता हूँ. नाउ अब देखो कि दैट इज 30 सेकंड. अरे बता दे 30 सेकंड क्या है. ये क्या वैसे आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो वही चीज है कि इसका बी होगा. बी है बोलो क्या कहते हो. वो प्रवीण बदला निकाल जो 40 है ना इसमें बाकी जो ए का फॉन्ट है हमने आपका चेक किया वो ए का फॉन्ट अलग है और जिसमें उठा हुआ है तो ये डी का कंफ्यूजन दे रहा है. सर ये ए क्या था सर. हाँ तो इसमें बोथ में बेनिफिटेड है आपका डी होता तो भी करेक्ट माना जाए. सर कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि ए का फॉन्ट में आप ए ऊपर चढ़ा के लिखते हो और इसमें डी की लाइन प्रिवेल कर रही है तो ये राइटिंग एरर मानी जाएगी. तो इसकी वजह से अदरवाइज बाइल जूस में क्या होते हैं कि वो चीज एक तरीके का एल्कली है. बाइल जूस क्या करती है जैसे एक होता है साबुन. साबुन में अगर तेल डाल दो हिला दो तो क्या वो पूरी तरीके से एमल्सिफिकेशन हो जाता है. वैसे तेल पानी में तैरता है लेकिन थोड़ा सोप डाल दो और हिला दो
तो क्या वो उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन के पूरे में आ जाएंगे? ये तो होता है, दौड़ देता है। तो क्या बाइल जूस एक एल्कली है? बाइल जूस का एक सोप है जो, तो सोप एंजाइम नहीं हो सकता ना। अब इसमें आप आंसर चेक करो, इसका देखें ये 33 सर ए ट्रू कैसे होगा सर? लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रिसीव्स द सेक्रेट दैट डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है इमल्सिफाई करना, क्योंकि वो सिर्फ इमल्सिफाई करता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है जो मिक्सी करती है सर। बोनस मार्क्स सर, बोनस मार्क्स, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये कंफ्यूजिंग आंसर है। इसमें क्या होगा कि इमल्सिफाई का मतलब एक फिजिकल प्रोसेस है, वो कोई भी कर सकता है, छोटे ग्लोबुल्स डाइजेस्ट नहीं करता। डाइजेस्ट तो उसके बाद होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सर इसमें लिखा है ना सर, जो सर लीवर बाइल फीड करता है और डायरेक्ट लीवर में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, ये बात सही है। तो सर वही तो सर, पर डाइजेस्ट भी तो लिखते हो तो गलत ही है, डाइजेस्ट नहीं है ये, डाइजेशन। बोनस मार्क्स, बोनस मार्क्स, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके नेक्स्ट इज और 33 क्या है कि ये 34 देखो, 34 लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर एंड एयर, तो इन वाटर देन एयर, तो लाइट किसमें फास्टर करती है? वाटर इज डेंसर, तो वाटर तो डेंसर है एयर से, रीजन सही है और assertion क्या है? फॉल्स है। इतनी बात समझ में आ गई? सो इसका क्या ऑप्शन होगा? डी सर। 33 का वैसे ही देख के रखा है वेबसाइट पर, 33 का दे रखा है सर, डी होना चाहिए। 33 का सी, 35 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ आयरन सर, फेरिक ऑक्साइड That is Fe3O4। ये बात समझ में आ गई आपको? बैठ जाओ एक जगह, ठीक है। सर आपने सीजन को 3 मौके दिए हैं सर चेंज करने में, कितनी बात हो गई? लो हिस्सा है मैग्नेट, आप देखिए सर फोर्थ का आंसर क्या है? आज मैथ्स सर, ये हां मैथ्स करेंगे, ये भी साइज को गिनना है। फोर्थ तो मेरे क्या सर, आज फोर्थ का सीधा सर, एट का क्या है? बी 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 मैथ्स निकालिए, दोनों में जीरो आए क्या? जीरो दीदी है ना, देख ले सबके जीरो आ रहा हूँ सर। सही था इसमें, गलत कैसे हो गया? देख के बताएंगे सर, आंसर भी सही और पूरा सही है सर, आपने क्वेश्चन गलत देख लिया होगा। सर एक क्लास इंग्लिश की ग्रामर की फिलहाल, इंग्लिश ग्रामर की मेरी कोर्स है कहां पे? क्या चीज है तो ये सर, एक्सलेटर होगा तो सर 1/2 उसमें एसिड होगा, प्लस दूसरा वाले सॉल्यूशन में अगर वाई ले लें तो उसमें 1/4 एसिड होगा, तो पूरा लिखिए आप लिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। 1 लीटर यहाँ से शुरू, 1 लीटर कैसे मान लिया टोटल? तो मैं बताऊँ सर, अगर 1 लीटर होगा तो 1/4 ऐसे नहीं, अज्यूम नहीं इससे गलत कर दिया, 1 लीटर नहीं 10 लीटर बनाया ना सॉल्यूशन, तो उसका नहीं सर, मैं मान रहा था मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन उसका, अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो उसमें एसिड 1/2 लीटर होगा ऐसा लिखा है,
अगर किसी एक सॉल्यूशन, क्योंकि सर 50% दे रखा था ना सॉल्यूशन में, तो अगर एक्स लीटर लिया जाए तो उसमें हाँ, उसका भी हाफ होगा ऐसे। और अगर दूसरा वाला भाई कैसे आया फिर ये सर कौन सा, तो भाई 5% हो गया ना, हाँ तो उसका 40% 2/5 आ जाएगा और उसका बैग में क्या क्या है, रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं, और कुछ इक्वेशन भी दे रहा है कि रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं, लेट देयर आर एक्स रेड बॉल्स एंड वाई व्हाइट बॉल्स, लेट हाफ वाई इक्वल टू देयर आर और अब आगे की बात क्या हो गई, हाफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 1/3 द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, half the number of white balls is 1/3 of the number of red balls, white balls kya hai, kya bhai y by 2 hoga sir, aur that is x 1/3 the number of red balls, thrice the total number of balls exceeds 7 times the number of white balls by 6 sir, 3x so, plus 3y is thrice total number of balls theek hai exceeds 7 times the, ye jyada hai 7 times the number of white balls se kitna jyada hai 6 to usme 6 add kar denge sir, exceeds dekho exceeds ka matlab hai ki total ball ka 3 guna white ball ki sankhya ke 7 gune se 6 jata hai, isko aise bhi to kar sakte the, total balls ka 3 guna thrice the total number of balls exceeds 7 times the number of white balls by 6 sahi सर, हाँ सर, अगर वो बोल रहे हैं टोटल में तो 3x plus y is equals to 7y plus 6 होगा ना, मतलब ऐसे बनेगा ऐसे भी वो बोल रहे डिफरेंस करके कर दिया कि ये इतना ज्यादा है, जैसे आप किए जब आपके भाई से एक्सीड कर रहे 2 साल तो योर एज माइनस योर ब्रदर्स एज इज 2, आपकी एज ज्यादा, ये चीज नहीं लोग जल्दी मानते, मेरे और इनके छोटे भाई के एज का डिफरेंस 2 है, सर टोटल बॉल अगर 3 गुना है तो व्हाइट बॉल 7 गुना, ऐसा नहीं है, टोटल बॉल का 3 गुना व्हाइट बॉल के 6 गुने से 7 गुने से 6 ज्यादा है, इनका 3 टाइम्स व्हाइट बॉल के 7 टाइम्स से 6 ज्यादा है, ठीक है, अब इससे क्या आया बताओ, क्या इससे 3y इज इक्वल टू 2x आ गया, इससे क्या आया, तो इससे क्या आया, और इसको इसके नीचे लिख दो 3 दैट इज 3y माइनस 2x इज 0 या 2x माइनस 3y कुछ भी लिख लो, ये अब इसमें 2 इसमें 2 से कर लीजिए, इसमें 3 से कर लीजिए, तो 6x माइनस 8y इट इज इक्वल टू 12, 3 से करिए 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, 6 आ जाएगा, y स्क्वायर y क्यों आ गया, x 6 आ गया, और x पता कर लो कहीं भी रख लो इसी में रख लो, नहीं 6 नहीं आया, व्हाट इज दैट इज
How many balls of five cells? तो D आंसर हो गया। यानी 679 का D। अभी बताना है प्रॉब्लम की। FT का देखो। तब B होगा ना? तब Y कितने आए? सर 79 का B होगा। B होगा। Y ना? 12 balls का। अच्छा D होगा। और 80 का? सर D D। 80 का D। 81। एक two digit number is often। अच्छा इसमें देखो। फिर आए व्हाइट बॉल का ये देखो व्हाइट बॉल का हाफ सर सर ये नया क्वेश्चन रेड बॉल के सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 के इक्वल है अरे दोबारा सर वहीं को सुन समझ आई बात और फिर इससे मैंने 3y = 2x कर दिया फिर 2x - 3y इसके नीचे लिखा यस यही क्वेश्चन तो अभी आपको समझाई दी थी यस इन दोनों को सॉल्व कर दिया मतलब व्हाइट बॉल फाइंड कर दोनों को ही पता करना है x और y दोनों के अब देखिए 81 देखो 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 then subtracting 5 or by obtaining the difference of digit by 16 and adding 3 ये question अच्छा है ये हम आपसे करवाएंगे 2 second दे दीजिएगा sir ठीक है 81 and 82 करके दिखाओ अभी हाँ समझे का बोर्ड पे करा वो तो सही है नहीं नहीं बोर्ड पे नहीं सर बोर्ड पे करा लो yes sir पहले गफलत देखो 81 एंड 82 करना है हम इसको फिर समझा भी देंगे पहले आप करो फिर हम कराते हैं नहीं मैं भी कर दूंगा आता था कि मैं सर वो सर है क्या तू नहीं दे रहा अपनी शीट दे दी जो सही आया वो कर दिया रखा है 81 81st question 2 digit number is obtained by either multiplying the sum of digits sum of digit को अगर हम 8 से multiply करते हैं तो 2 digit number है मतलब मेरे पास जैसे 3 और 6 है sum of digit 36 है 36 सम ऑफ डिजिट क्या है 9 अगर 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 2 डिजिट नंबर आ जाए सम ऑफ डिजिट क्या है बताओ क्या 3+6 है यस और यदि इस पर 4 से तो ऐसा कोई नंबर जिसको कह रहा है 6 से मल्टीप्लाई करो तब नंबर आता है देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है -5 कर रहा है भाई मल्टीप्लाई द सम ऑफ डिजिट 8 से मल्टीप्लाई करो लेट 2 डिजिट नंबर क्या है 36 कि जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर है सर इसमें बोल रहे सम ऑफ डिजिट बाय 8 सम ऑफ डिजिट को यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर आ जाता है अब सर 5 ऐड भी कर क्या ऐसा तुम्हें लगता है नीचे जो दी हुई चीजें हैं सर 5 सब 10 को 10 है 10 का सम ऑफ डिजिट बताओ इसका आंसर देखो 1 तो इस 2 डिजिट नंबर में अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या 2 डिजिट नंबर आ जाए नहीं आएगा ना कभी भी क्योंकि तब तो 8 ही है हां सर 5 सब ऐड भी करना है सर 8x + 5 सर अब देखो by multiplying and then subtracting 5 and then subtracting 5 अच्छा सर आर एच एस प्लस यानी कह रहा है मल्टीप्लाइंग बाय 8 एंड देन सबट्रैक्टिंग 5 समझ गई बात कि नहीं ऐसा कह रहा मल्टीप्लाइंग बाय 8 और उसमें से 5 घटा भी दो तब आएगा टू डिजिट नंबर और फिर अगला क्लॉज क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16 एंड एडिंग 3 हमें पता नहीं है या तो x माइनस वाई भी हो सकता है या y माइनस x माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा तो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और 8 कितना करो ठीक है सर पर अगर हमने x को 10 डिजिट पे ले लिया तो हो जाएगा डिजिट 1 मिनट एंड देन सब और भाई मल्टीप्लाइंग बाय 16 16 से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या करो सर ऐड
एन एडिंग थ्री तो भी वो नंबर आ जाता है, बोलो सही है। ये मैं ऐसा कर दूं क्या, y माइनस एक्स इंटू 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस y, बोलो इससे क्या चीज आई, क्या इससे 8x प्लस 8y, 8x प्लस 8y माइनस 5 और माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 0, बोलो 8x प्लस 10x किया होता माइनस 2x और यहां से कितना आया 7, क्या यही 5 है, इसको सिंप्लीफाई करो क्या 16x माइनस 16y और माइनस 10x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इससे करो इन दोनों से तो क्या 6x आया और इससे करिए तो क्या माइनस 17y और उधर माइनस 3 ले लो, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख रहा हूं 3 से कर दो तो इसी को इसके नीचे लिख रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई कर क्या माइनस 6x, जरा चेक करो माइनस 6x हुआ और प्लस 3 से करिए मल्टीप्लाई 21 और वहां पे क्या आएगा क्या 15, 3 से कर दिया ये देखिए कैंसिल हो गया ऐड कर दो तो ऐड करने पे कितना आएगा क्या 4y और यहां कितना आएगा क्या 12 तो y कितना आया 3, यहां y 3 आ गया, कोई एक इक्वेशन खा लीजिए इट इज इक्वल टू -3 तो 6x - 17 * 3 इट इज इक्वल टू -3 तो 6x कितना हो गया क्या -3 प्लस 51 51 उधर ले लिया तो 6x कितना हो गया क्या 48 तो x कितना हो गया क्या 8 तो नंबर क्या हो गया सर 83 सो नंबर इज 10 into 8 प्लस 3 दैट इज 83। अब यहां देखो y माइनस x करके देखो तो इससे क्या 16y माइनस 16x प्लस 3 माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 0, 16 में से y गया तो क्या 15y और इसमें से x गया तो माइनस 26x और प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 3, मैं इसमें क्या करूं कि ये आ जा तो हमने यहां क्या किया था प्लस 7 y माइनस का फ्रैक्शन में आ गया ये चीज है तो इस चीज को लिख लें प्लस 7y कुछ करना पड़ेगा 13 से ऊपर वाले ऊपर वाले को 13 से कर दो इसके नीचे लिख लो तभी तो आ जाएगा 26 सो माइनस 26x और इसको 13 से करोगे तो 13 से बन जाए 91y और इसको भी 13 से करो तो 65 सर आपने y माइनस x किया x माइनस y क्यों किया दोनों किया x माइनस y किया हमें मालूम नहीं था ना कौन सा बड़ा तो ये केस 1 एंड केस 2 है जो हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा वो मैं ले लूंगा सर फर्स्ट ही होगा सर तो अब ये देखो ये कितना हुआ 91 है 76 कितना आया 76 आ गया तो माइनस माइनस का 76 इट इज इक्वल टू माइनस 68 ऐसा आ गया सर ये नहीं आएगा इसका दूसरा लॉ उसका रीजन क्या है क्यों नहीं आ रहा क्या क्यों नहीं आ रहा यानी ये वो डिजिट ही बड़ा है इसका मतलब है कि डिफरेंस है तो ये नहीं आ रहा तो ये दिस इज नॉट द केस पर इक्वेशन तो बनाई है इक्वेशन हमने बना ली लेकिन जरूरी नहीं कि पलट के भी हो दिस इज नॉट द केस कोई नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ये भाई कितना आ गया सर पर ऑप्शंस देख के भी तो पता चल रहा है कि हर में x ही बड़ा है मतलब कोई छोटा नहीं है x किसी ऐसा देखने से लग रहा है वैसे x बड़ा है हमने दोनों केस ले लिए बट लेकिन इससे फ्रैक्शन में आ रहा है तो इट इज फ्रैक्शन तो इसको क्या लिख लोगे दिस इज नॉट द केस इन वैल्यू मैं दोनों में फ्रैक्शन तो हमारा 83 आ गया अब हमारा क्या आंसर ठीक है सर 83 ए 81 का ये सही है आगे देखो बस यही है आंसर ना ए करेक्ट हो गया बी देखिए अच्छा मैंने वहाँ पे प्लस 21 नहीं किया था चल नाउ लेट अस अगला बार तो इसी से देख लेते हैं तो मुझे ठीक ही लग रहा था अगला वाला सर सही द एरिया मैं छूट गया था मैं छीन लिया x निकल गया था बस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स ये का ही है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ बताओ एरिया कितना होगा x मीटर इज लेंथ एंड y मीटर सर मीटर दिया नहीं है सर अच्छा
ठीक है, उसकी जगह यूनिट लिख लेना, एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट, तो एक्स वाई है यही तो एरिया है, और एरिया की ये एरिया है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो जो एरिया है वो कितना आ जाता है, देन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो क्या एरिया में 3 यूनिट की बढ़त हो जाती है? सर नहीं, एरिया में 9 कम हो जाता है, 9 रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स, तो एरिया माइनस 9, फिर अगली बात क्या कह रहा है, इफ एरिया इज द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स, एक और भी रीजन दे रहा है सर, वो नेक्स्ट केस, ये कब है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड यस बाय 3 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, बोलो ये दोनों केस हो गए, बुक का ही सवाल है, yes, है अच्छा अब ये देखिए, एक ही जगह एक्स वाई लिख दो, एक ही जगह एक्स वाई डाल देता हूँ, अब इसको जरा खोलो तो क्या होता है, तो यहाँ क्या आ गया, 3x - 5y = कितना आया, यहाँ से देखो तो इससे क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लस 2x + 3y + 6 = xy + 67, तो बताओ 2x + 3y कितना आ गया, 61, दो इक्वेशन हो गई, इसके नीचे ये वाली लिख लो, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे तो काम बनेगा नहीं, तो इसमें 2 से कर लीजिए, इसमें 3 से कर लीजिए, तो 6x - 10y = 12 और 6x + 9y = 183, सर 171 किसी एक में डालना पड़ेगा, उसके दोनों हो गए आपका, एक हो रहा था पहला वाला, मेरा फ्रैक्शन नाम है, दिस इज 3x - 5 × 9, 3x - 45 = 6, तो 3x कितना हो गया, क्या 51, यस, तो x कितना हो गया, 70, तो इसी में चक्कर लेना, पेरिमीटर निकालना, आगे देखो, 83 कर लोगे, सही का इजी सा जाता है, 83 कैसे करोगे, कुछ कुछ इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, वो सही है, जितना इजी है इतना सोच रहे हैं, y - 2 सर कर लेंगे सर, अच्छा इस क्वेश्चन को सीजन करेंगे आप, सीजन सर 83 हां सर, सीजन अश्विन जी सर, चलिए सर ये तो सर आसान नहीं, करने दो, हार्ड है सर, बोल रहे हैं मेरी बात बेइज्जती हो जाएगी, प्रैक्टिस कर रहा हूँ करना है, चलिए
ठीक है सही है। देखो इन्होंने क्या कर दिया कि ये दोनों बना नहीं एक्स वाई से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया या एक्स वाई को यहाँ ले आए नीचे वो एक्स वाई यहाँ भी ला सकते हो। यस सर ट्रांसपोज़। तो उससे क्या हुआ कि सिक्स बाई वाई और माइनस टू वाई एक्स आ गया। अब एलिमिनेट कैसे करोगे ये सिक्स बाई वाई है ये टू बाई वाई है तो क्या करते हैं वन बाई वाई को बी अब इसको माइनस करो चला गया तो कितना बचा बताइए ना तो 10 आया तो अब इससे क्या पता चल रहा है x = 2 20 by 10 = x = 2 नहीं है 32 आ रहा है इतनी बात समझ आ गई। सो x = 2 फिर इसके बाद अब y निकाल लें कि y कितना है y आ जाएगा इसी से आ जाएगा। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। यस सर 85 अच्छा क्वेश्चन है ना किसमें वही कॉपी में 85, 86 कॉपी पे कराएंगे 87 एंड 88 ये चार क्वेश्चन कराएंगे ये बहुत अच्छे क्वेश्चन फिर टाइम ला देंगे टाइम दे देंगे आपको खाना में कभी एक घंटा का हम भी उसको सॉल्व कराएंगे सर 20 में सर 88 समझा दो माफ कर देना हो जाएंगे सर आधा आधा घंटा दे दो ओ बिजू बिजू क्या खतरनाक क्वेश्चन है क्या अरे ये वो वाले हैं दो बुक में ऑप्शनल था ना एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सेल सुन भी हो जाता काम कोई टीट क्वेश्चन देखना एक एक क्वेश्चन एक अब मेरा तो देख के फंस गया तो बिज्जू भी है सर हां वही तो नाम क्या था मैं स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन ए रो मान लीजिए ये रोज हैं इसमें बच्चे खड़े हो रहे हैं तो कुछ रोज होंगी एक दो तीन या ऐसे और भी रोज होंगी और एक रो में कितने बच्चे हैं लेफ्ट देयर आर एक्स रोज एंड वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे ईच रो तो टोटल स्टूडेंट इट इज इक्वल टू एक्स वाई मान लो थ्री रोज हैं और एक एक रो में छह बच्चे हैं तो 18 हो गया कि नहीं ओके यदि हम मैनिपुलेट करें कुछ बच्चों को बोल दें अपनी रो से हट जाओ नई रो बना लो तो भी बच्चे तो वही रहेंगे ना तो इन्होंने कहा कि If three students are extra in a row, हर रो में कितने बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए गए तीन सो यानी y प्लस 3 कर दिया गया बोल दिया ये सब लोग के तीनों सब तीन तीन बच्चे 88 क्वेश्चन गलत है सारा तो ऐसे में रो कम हो जाएंगी तो रो कितनी कम हो जाएगी गलत है देयर विल बी टू रोस मैंने एमसीक्यू से थ्री स्टूडेंट्स बात ना करें देन देयर विल बी वन रो लेस तो कितनी रो लेस हो जाएंगी और क्या ये तब भी एक्स वाई रहेगा टोटल स्टूडेंट पहले भी बच्चे एक्स वाई थे मैं अगर एक रो कम करता हूँ एक रो घटा दिया तो हर रो में कितने बच्चे बढ़ जाते हैं तीन बढ़ जाते हैं फिर ये कह रहा है कि अगर मैं तीन बच्चे कम करता हूँ हर रो से कि जाओ नई रो बनाओ पीछे से लाइन लंबी ना करो तो कितने रो बढ़ जाती है दो रो बढ़ जाती है अगर हर रो से कितने बच्चे कम कर दिए जाए तीन बच्चे बढ़ा दिए जाए तो एक रो कम हो जाती है तीन बच्चे कम कर दिए जाए तो दो रो बढ़ जाती है लेकिन क्या बच्चे फिर भी एक्स वाई ही हैं तो इससे क्या पता चल रहा है माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई कट गया तो इससे क्या आया बताइए थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री
और यहाँ से क्या आया एक्स वाई माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई कट गया तो इससे क्या आया माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स इन दोनों को कम कर दो तो कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल टू नाइन y कितना आ गया y क्या है स्टूडेंट इन ईच रो इज 9 और रो कितनी आ गई इसी एक बार तो 3x minus y is equals to 3 3x minus 9 is equals to 3 तो 3x is equals to 12 तो x कितना हो गया तो अब आप दे दो सर बस ओके सर अभी सही आया सर उसमें प्रश्न में थोड़ी गलती थी सर मिल गया सर अब बस हो जाएगा सर बस आधा हो गया सर इनका बस सर प्लीज सर फिर वो फर्स्ट नहीं आ पाएगा ना अरे सर बहुत मुश्किल से मिला है सर ये अश्लील का नुकसान तो पहले गलत लग रहा था फिर पर गलत सही कर दिया तो कितने बच्चे हो गए यहां से देखिए 36 क्योंकि 4 रोज या 9 बच्चे हर एक में तो 36 नंबर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एज ऑफ टू फ्रेंड्स differ by 3 years so any and we jo friends are this is 86 by 85th aur 86 dekhiye ye to so two friends any and we jo let age of any kya x hai aur biju y hai acha Annie's father Dharam is twice as old as Annie. तो धर्म की एज क्या हुई? 2x और देखो y upon as old as his sister कहती है तो कैथी के बारे में बता रहा कैथी एंड धर्म differ by 30 years. अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ. Annie's father is twice as old as Annie and Biju is twice. तो y by 2 हो जाएगा. कैथी's एज y by 2 अच्छा अब धर्म की एज और ये धर्म और कैथी की एज में कितने का डिफरेंस है 30 द एज ऑफ कैथी एंड धर्म सो 2x - y by 2 है ना हां ये बात समझ में आई कि नहीं हां अब इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4x - y बात ना करें ये चीज हो गई और हमारे पास क्या सर बहुत है सर सर्टिफिकेशन से सर वो नहीं हो पाएगा x माइनस एज ऑफ कैथी एंड धर्म सर हां सर उसका इनटू 2 करेंगे तो सर डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं हो पाएगा अच्छा और भी कुछ आया हमारे एक और इक्वेशन में देखिए ना सर x माइनस y इक्वल टू 3 फर्स्ट हां सर x माइनस y ये नहीं लिखा है अभी सर इनटू 2 मत करिए सर तो अब यहां सर फिर तो y माइनस x भी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल x माइनस y इज इक्वल टू 3 और y माइनस x इज इक्वल टू 3 ये लिख लो इसके नीचे सर फिर उसमें भी तो हो सकता है y by 2 minus 2x वो जनरेशन गैप है जो बच्चे भतीजे हैं वो पिता से कैसे बड़े हो सकते हैं नहीं सर वो धर्म और कैथी की ये किसका पिता है ये दोनों दोस्त हैं ये एनी का पिता है और ये उसकी बीजू की छोटी बहन है तो क्या छोटी बहन आप एनी के पिता से बड़ी हो जाएगी ऐसा कैसे हो सकता है दो तुम दो दोस्त हो तुम्हारी एक छोटी बहन है और इसके पिता या तो मेरी छोटी बहन उनके पिता से 30 साल ऐसे कोई इतने डिफरेंस ऐसा कैसे हो जाएगा है ना तो ये चीज है तो 4x - y 60 है चेंज करो साइन ये चला गया तो दैट इज माइनस 3x क्या माइनस 6x इज इक्वल टू 57 माइनस तो x का 19 आ गया यदि x 19 है तो x माइनस y 3 है तो यहाँ 19 माइनस y इज इक्वल टू 3 तो y कितना आ गया क्या 16 यस यानी x 19 है एनी बड़ी है यहाँ पे दिख भी रहा और बी जो से सो एनी इज एज इज 19 ये किसकी एज हो गई एनी इज एज और ये बिजू सर यूसी का केस क्या होगा ठीक है अब यहाँ पर भी यही चीज लिख लो 4x माइनस y इट इज 16 तो आंसर मिल गया तो क्यों कर रहा है नहीं देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम है दो अलग आंसर है दोनों ही केस हैं दो आंसर तो 3x इज इक्वल टू 63 x कितना हो गया क्या 21 हां से ये मेरा ये भी है परफेक्ट में क्या दोनों ही आएंगे क्योंकि दोनों आंसर हैं अब x 21 लिखो सर जिसने दोनों नहीं किए सर ऐसा ऑप्शन अगर एमसीक्यू आया तो क्या करेंगे सर तो अगर आप ऑप्शन मिल रहा है तो फिर आपका मान लिया जाएगा सर तो क्यों उतने का डिफरेंस इसमें बीजू बड़ा है तो एनी से जाइए
बुक में देखो ना, बुक का क्वेश्चन यार नहीं आ सकता, दोनों का ऑप्शन नहीं है। पहला क्वेश्चन सर ऑप्शन सर 21 का ऑप्शन ही है तो उससे हो जाएगा। और ये बीजूज एज तो 24 का है, तो कौन सा ऑप्शन इसको सूट कर रहा है बुक के हिसाब से? ए फर्स्ट एनी एज सर 19 और 16 वाला सूट कर रहा है। 19 और बीजू का एज 16, तो पहला वाला ले लो। यस सर। यस नेक्स्ट देखो 88 सर हो गया था मुझसे सर, आपको कर लेता हूं क्योंकि सब ठीक हो गया। सर बोर्ड पे करवा देता हूं जी, अब ईशान से करवा दे। अरे सर मैं ईशान से करवा दी। अरे समझ आता है, बोल रहा है करेगा और कोई है तो कर दे। इसका आंसर ए है। आप भी बोलिए। Give me 100 friend, I shall then become twice as rich. One says. So one has, बताओ। ये ऑप्शन। एक को कितने पैसे हैं? One has X rupees. और second has, second के पास कितने हैं? Y. Second has rupees Y. One कहता है, give me 100 friend, I shall be become. ये कह रहा मुझे अपना 100 दे दो। तो क्या Y को नुकसान हो जाएगा 100 का? मैंने ऐसे किया था सर, इसके मार्क्स दे देना। Now if you give me 100, then I will be ऐसे ही होगा। Twice as rich as you, मेरे पास तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा। तुम मुझे 100 दे दोगे तो मेरे पास तुमसे दुगना हो जाएगा। तो भाई कहता है ऐसी बात है तो तुम मुझको अगर 10 रुपए ही दे दो, इससे कह रहा है कि तुम मुझे 10 ही दे दो, तुमसे 10 रुपए में ले लेता हूँ। ऐसा करने पर मेरे पास तुमसे 6 गुना पैसा हो जाए। वो कह रहा 100 दो तो दुगना होगा, ये कह रहा 10 ही दे दो तो 6 गुना हो जाए। कहता है ये 10 इसको, तो क्या इसके पास जो पैसा है उसका 6 गुना? इसने 100 दिए तो इसके पास पैसा इसका दुगना होगा। जरा चेक करो, पूछ रहा है। हाँ बोलो सर। सर पैसे 100 दे दिए तो सर 100 माइनस 10 होगा। 100 दे दिए तो उसको 100 का नहीं, मान लो 1500 रुपए दे। अच्छा उसने मांगा, उसने दिए नहीं ना। उसने कहा यदि तुम मुझे 100 देते हो तो मेरे पास दुगना हो जाएगा। दूसरा कहता यदि तुम मुझे 10 ही दे दो तो 6 गुना हो जाए। इट इज अ काइंड ऑफ बोस्टिंग, दोनों अपनी अपनी शेखी भगा रहे हैं। तो इट इज ना, ये कितना हो गया? तो यहाँ पर क्या हो गया कि x minus 2y it is equals to minus 300। अब यहाँ से देखिए, ये तो पहले भी किया ना मैंने, आधा करके 6x minus 60 it is y plus 10, 6x minus 5 क्या ये 70 हो गया? अब इसके नीचे इसको लिख लो, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 6x में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या 12x minus 2y is 140। यस सर। और x minus 2y is equals to minus 300। यस सर। तो अब इसका साइन चेंज कर लीजिए, तो 11x कितना आ गया? 440। सर ये मेरा भी ऊपर आया है, 1304 आ रहा है। 44 y का पता डाल था क्या? 100 या 200। सो अब जैसे 6 सर 440 बाय 11 कर दीजिए सर, तो ऐसे थोड़ी होगा सर। सर 40 आएगा। हां, और 6x minus y 70 है, x का 40 है। अब जरा देखो क्या ये 240 माइनस 70 हो गया, तो बताइए y कितना आ गया? 170। अब जरा देखो ये कह रहा है मुझे 100 रुपए दे दो, x कितना है? मान लो ये 100 रुपए उसे दे दे तो क्या इसके पास 140 हो जाएंगे? क्या डबल हो जाएंगे? ये कह रहा है मुझे 10 ही दे दो तो मैं तुम्हारे पास 6, क्या दोनों बात सही है? 10 दे देगा तो इसके पास 30, इसके पास 180। Both will be correct. इतनी बात समझ आ गई? Now, देखो अगर मान लो इसने इसको 100 दे दिए, इसके पास कितने बच गए? इसके पास बाद इधर देखिए इसके पास कितने हो गए? 140। क्या डबल हो गए? ये इसको 10 दे दे, 30 बचे और 180, क्या 6 टाइम्स हो गए? यस। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला तो नहीं कराएंगे, 89 सिंपल है, आगे बढ़ो। नाउ
ये सर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले का हां ए मोटर बोट हैज टू ट्रैवल 30 किलोमीटर इफ इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स तो रिटर्न ये क्या इनकंप्लीट क्वेश्चन है इक्वेशन बना दो आप स्ट्रीम स्पीड ये मालूम है ना 89 बाकी चीज लिख देते हैं So, speed of boat in still water? बोलो बहुत अच्छा बताया इन्होंने नहीं तो लोग सिर्फ फैक्ट बताते हैं बहुत अच्छी बात है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस y किलोमीटर पर आवर आप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा x plus y हो जाएगी downstream sir x minus y x plus y किलोमीटर पर आवर downstream speed x minus y इतना मैंने कर दिया अब आगे सीजन दोनों इक्वेशन बॉक्स में चल देखिए दोनों इक्वेशन लिख में जा रहे हैं सर वहां खा ले सात घंटे लगते हैं अगर वो 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है नहीं 30 किलोमीटर और वापस कितना आता है 28 मतलब एक के पास एक्स रुपए एक के पास वाई एक्स कह रहा है 100 रुपए तुम हमें दे तो क्या वाई को 100 का नुकसान हो गया अब लेकिन जिसके पास जो पैसा है वो वाई का दुगना है जब 100 दे दिए तो कह रहा जब जो मेरे पास पैसा वो तुम्हारा दुगना है वाई का डबल वो कह रहा तुम मुझे 10 दे दो 10 उसको दे दिए तो ये कह रहा अब मेरे पास जो पैसा हो तुम्हारा दूंगा हां चलो भाई दो को 10 इतनी जल्दी आ गए चलो अब उसके दो टाइम है टी क्या होता है सिर्फ टी लिख लो क्या जितनी डिस्टेंस चलोगे जितनी स्पीड से चलोगे वही है टाइम तो क्या वो 30 मीटर ऊपर गया ऊपर गया होगा तो किस स्पीड से गया होगा और नीचे आया तो कितनी स्पीड से आया होगा यही तो किया था सर मैंने भी और क्या ये 7 है सर मैं भी तो यही कर रहा था तो सही कर रहा है समझ नहीं आया फिर से देखो क्या T1 प्लस T2 7 है बोलो तो अब स्ट्रीम स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अब स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या मैंने डिस्टेंस लिखी और उसके नीचे अब स्ट्रीम स्पीड का क्या फार्मूला है x माइनस y चलो तो डाउनस्ट्रीम का लिखा है आपने भाई अरे दूसरा आप स्ट्रीम स्पीड 30 कितना गया 30 आप स्ट्रीम गया ना यस सर आप स्ट्रीम जाने की क्या ये स्पीड है यस सर आपने उधर आपने उल्टा लिख दिया सर इसके लिए आ रहा है ये क्या है सर ऊपर सर ये ऐसे लिखो ना सर मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूं वही डिस्टेंस आप स्ट्रीम तो धीमे चलेगा ना ये सही है और डाउनस्ट्रीम तेज चलेगा तो ये सही कि नहीं डाउनस्ट्रीम में तो स्ट्रीम का भी सपोर्ट मिलेगा तो अब स्ट्रीम जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या यही 7 है और डाउन स्ट्रीम में क्या मैं ये लिख दूं 21 अपॉन x माइनस y और प्लस 21 अपॉन x प्लस y बोलो इतनी बात हो गई ये 28 है ये 21 है
अगर आप देखो तो हम इसे कैसे एलिमिनेट करें, कुछ किया जा सकता है 7 से कट नहीं सर 1 / x - 1 / 1 / वो ठीक है। मान लीजिए जैसे सर इसमें के फ्रेंड्स में ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ठीक कर दे इसमें सर। और सेकंड वाले में तो उसने ऑप्शन भी दे रखा है ना, डाउन का डाउन भी अगर करा है क्या सर इसमें तो सर एंड रिटर्न भी तो लिखा है सर। भाई वापस आओगे कहीं जाओगे तो लौटोगे नहीं सर, ऊपर नीचे वाले में चलो। अब मैं इसको 38 कैसे इसको इक्वेट करूं, 28 4 से 84 होता है 21 21 4 21 4 से सर x - 1 से करेंगे तो 84 आ जाएगा और इससे किससे करेंगे 4 से आ जाएगा। इसको 3 से कह रहे कर दो हां सर, और इसको 4 से कर दो तो चलो 3 से करो तो 90 upon x - y और 84 upon x plus y yes, तो ये 21 है और इसे 4 से करो तो ये 20 हो गया। हम इसे सबट्रैक्ट कर दीजिए ठीक है, तो ये कितना आएगा 6 upon x - y और यहां 1 बचा तो अब यहां से क्या हो गया तो ये 2 हो गया ना, ये 5 आ गया कि नहीं, 5 उधर ले लिया, 5 उधर ले लिया तो 2 बचा कि नहीं, तो x plus y कितना आया उसको उधर ले आया 14 तो it is x plus y 14 है सर। अब दोनों को एक ही क्वेश्चन ये ऐसे ही देख के बता दो, ये 14 है और ये 6 है तो x minus y 6 है 10 x 10 और x plus y 14 तो 2x कितना हो गया 20 तो x कितना हो गया, x सही बता रहे हैं अगर x 10 है तो y कितना है 4 y 4 है तो जरा देखो मैं y इसका कितना आंसर आ गया सर a और b स्टील वाटर में सर 10 है और स्टीम 4 है बस a और b आ गया आंसर सही है जितना ही रखिए तो शाम की क्लास नहीं शाम की इसके सारे तारे जमीन पर ही हैं। अभी कहाँ है ना सर तारे? मंथ के कल थोड़ी देर के अच्छे दिन भी आए थे फिर वापस बड़े हो गए आएंगे तब।